अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। और आज मैं बना रही हूँ एक साइड डिश पनीर टिक्का। इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। सबसे पहले मैंने पनीर लिया, तकरीबन आधा केजी है ये, और इसको मैंने ऐसे बड़े क्यूब्स में डाल दिया। बहुत छोटे नहीं करने वरना वो फिर टूट जाते हैं। इसके अलावा मैंने एक शिमला मिर्च ली है, मैंने थोड़ी पतली काटी है क्योंकि बहुत मोटे मोटे जंक्स गलते नहीं है। और आधी मैंने प्याज लिया, इसको भी मैंने ऐसे काट लिया है। लीमू है मेरे पास, तकरीबन एक अदरक का जूस मैं शामिल करूंगी। और मेरे पास 3 से 4 टेबलस्पून दही है जिसका हम मैरिनेशन बनाएंगे। और मसाले, इसमें बहुत ज्यादा मसाले नहीं है। आधा चम्मच मैंने नमक लिया है, आधा चम्मच मैंने लाल मिर्च लिया है, आधा एक चम्मच मैंने चाट मसाला लिया है। और जो टिक्का पाउडर आपका किसी भी ब्रांड का आता है वो आप 2 टेबलस्पून ले लें। मैंने अभी शान का टिक्का पाउडर यूज किया है। तो मैं अभी क्या करूंगी, मैं इस दही में ये सारे मसाला जार शामिल कर लेती हूँ। सारा मैंने इसमें मैरिनेशन डाल दिया है और एक लीमू भी निचोड़ दिया है। अब मैं बस इसको स्लाइटली कोट करूंगी। इतना ज़्यादा इसको मिक्स नहीं करना है कि आपका पनीर टूटने लगे। और कोट करके मैं इसको 1 घंटा या आधा घंटा, जितना आपके पास टाइम है, आप इसको फ्रिज में रख दें। आप चाहें तो इसमें गर्म मसाला और काली मिर्च भी शामिल कर सकते हैं। ये बेसिक रेसिपी है, और काली मिर्च और गर्म मसाला भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। इट्स अप टू यू। ज़ीरा, बाकी सारी चीज़ें भी अगर आपको शामिल करनी है। तो मैंने टिक्का मसाला डाला है तो उसमें और भी मसाला जात होते हैं। नमक भी मैंने इस वजह से कम ही रखा है, और पनीर में भी कभी कभी नमक शामिल हो के आता है, तो इसलिए मैंने इसमें ज़्यादा मसाले नहीं शामिल किए। तो 1 घंटा हम रखेंगे और उसके बाद हम इसको बिल्कुल शैलो हल्के से तेल में फ्राई करेंगे। जैसे आप देख सकते हैं, तकरीबन मैंने 1 घंटा इसको फ्रिज में रखा। और अब मैं ये पैन मैंने रेडी कर लिया है। आप तो चाहे तो तवे पे भी बना सकते हैं। ज़रा सा मैं इतना ऑयल दूंगी कि ये शैलो फ्राई हो जाए। और तो 1 से 2 टेबलस्पून आप चाहें तो ऑलिव ऑयल में भी कर लें इसको। और तो हल्की आंच पे रखूंगी, और ये एक तरफ से जब हो जाएगा तो फिर मैं इसकी साइड बदल दूंगी ताकि ये टूटे नहीं। तो शुरू करते हैं। तो जब तक मैं ये करती हूँ, पलटते हैं फिर थोड़ी देर में, ठीक है? तो जैसे आप लोग देख सकते हैं कि मैंने सारा डाल दिया है, और ओवर क्राउडेड नहीं करना। दूसरे बैच में आप बाकी और डाल सकते हैं। और इसके अलावा जो आपके पास मसाला नीचे और है, वापस के ऊपर डाल दें। बस ये एक तरफ से हो जाएगा, हल्की आंच पर रखें ताकि अच्छे से नरम हो जाए आपका पनीर और बाकी सब्जियां भी। और इस आप चाहें तो इसको स्क्यूअर्स में भी डाल के कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको खाली अभी बेसिक तरीका बताया है। अभी मैं इसको टर्न करूंगी, फिर मैं आपको बताऊंगी कि इसका कौन सा कलर होना चाहिए। तो आप लोग देख रहे हैं कि बहुत शोर की आवाज़ आ रही है। दही ने अपना पानी छोड़ दिया है और अब वो ड्राई की तरफ होने वाली है। अब मैं इसकी साइड चेंज करूंगी। मैंने थोड़ा पहले तेज आंच पहले नॉर्मल आंच रखी थी, फिर मैंने आंच थोड़ी सी तेज कर दी थी ताकि बहुत वॉटरी ना हो जाए। ऑलमोस्ट हो गया है। एक अच्छा सा आप प्लेटर में इसको सर्व करें, और बस जरा सा इसका थोड़ा सा और पानी टेस्ट कर दें, बिल्कुल इसका ब्राउन थोड़ा सा कलर आने दें। उसके बाद आपकी तैयार है, और अच्छी खासी आपकी सॉफ्ट हो रही है पनीर। आपकी सब्जियां भी ऑलमोस्ट गल चुकी हैं। आपको ज़्यादा तो नहीं गलाना होता, थोड़ा सा क्रंची रखें पनीर सब्जियों को। एंड इट्स डन, रेडी टू सर्व। और आपको इस तरह की और रेसिपीज अगर देखनी है तो मुझे ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। मैं ज़रूर कोशिश करूँगी इंशाल्लाह डिफरेंट रेसिपीज बनाने की, और कम इंग्रेडिएंट्स के साथ। के पनीर टिक्का हो गया है रेडी, और इसके साथ आप प्याज और लीमू ज़रूर सर्व करें। साथ में मिंट की चटनी सर्व करें, बहुत अच्छा लगेगा। और बस इसी के साथ ये झटपट रेसिपी होती है ख़त्म। दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।